गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छी हेल्थ में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना फैला हुआ है, घर के बाहर एकदम जरूरी हो तो ही जाए वरना ना जाए। घर से सुरक्षित जगह कोई दूसरी जगह नहीं है। वेल, कमिंग बैक टू अवर बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर आपको ध्यान में हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट चैप्टर के बाद जंप मार के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। इस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स आपको जरा सा एक बता दूं, पेज नंबर जो है इट हैज स्टार्टेड इन माय बुक ऑन पेज नंबर 103 बैफ और बीएमएस में। ये टॉपिक आप इंडेक्स में चेक कर लेना, पेज नंबर अलग हो सकता है बैफ बीएमएस और बीबीआई वाले। बाकी इसके अंदर हमने सबसे पहले बिजनेस एथिक्स का मीनिंग किया, बिजनेस एथिक्स का मीनिंग करने के बाद में उसका इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। देन पर्सनल इंटेग्रिटी एट वर्क प्लेस के ऊपर डिस्कशन किया था। अब इसमें आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के खत्म होने में, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कुछ बर्निंग इश्यूज, कुछ ज्वलंत इश्यूज हैं जिनके ऊपर समाज को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज की कुछ कुरीतियां हैं जो हमें देखने को मिलती है, और इसके ऊपर हमको चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चर्चा करेंगे तभी इन समस्याओं का कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और तो ही सोशल वेलफेयर या समाज का भला हो पाएगा। क्योंकि जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं तब तक समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो व्हाट आर दीज बर्निंग इश्यूज? इन बर्निंग इश्यूज में सबसे पहला जो है दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कुछ चीजों की, यानी कि हार्मफुल जो कमोडिटीज हैं, जो शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाती है, उन कमोडिटीज की एडवर्टाइजमेंट करना बैन है, अलाउड नहीं है। कानूनी तौर पर आप उन देशों में उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में आप सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इंडिया में आप गुटखा की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इंडिया में आप लोग शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी फिर क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के तहत एडवर्टाइज करती है। जैसे विमल का एडवर्टाइजमेंट, बोलो जुबा केसरी, ये विमल एक गुटखा है और इसे पान मसाला बोल करके एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। इसी तरीके से शराब बनाने वाले किंगफिशर की बियर आती है और किंगफिशर एडवर्टाइजमेंट करता है किसी और नाम से, म्यूजिक कैसेट्स एंड सीडीज। एक और एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ये नंबर वन यारी है। ये नंबर वन क्या है? पूरी दुनिया जानती है ये नंबर वन मैकडॉनल्ड्स विस्की की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसे यारी के नाम से, यानी कि फ्रेंडशिप के नाम से एडवर्टाइज किया जाता है। सो व्हेन सम प्रोडक्ट विच इज बैंड और विच इज नॉट अलाउड टू बी एडवर्टाइज, वन प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड, On another product's name, यानी कि वो
उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, तो कंपनी उस बैन से बचने के लिए, क्योंकि प्रचार तो करना है सेल बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रचार अलाउड नहीं है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मैकडॉनल्ड्स नंबर वन विस्की है, सेल बढ़ाने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है नंबर वन यारी के नाम से। या जैसे मैंने कहा कि विमल गुटका है लेकिन उसे पान मसाला बोल करके एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में चर्चा क्या करना है सर? देख, चर्चा ये करनी है कि जब इनकी एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है तो कंपनी क्यों एडवर्टाइज करती है, लोगों को मूर्ख क्यों बनाती है। Why do they advertise it in some other products name? ये पहली बात कि क्या कंपनी सही कर रही है, क्या ये एथिक्स के खिलाफ नहीं है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो किसी दूसरे प्रोडक्ट के नाम से जिसकी एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं। That is number one. Number दो, यदि सरकार को लगता है कि ये सिगरेट है, गुटका है या शराब है, ये लोगों के कंजम्पशन के लिए हानिकारक है, इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, तो सरकार इन प्रोडक्ट को बनाने की इजाजत ही क्यों देती है? सरकार भी तो अपनी तरफ से एथिक्स का पालन नहीं कर रही है, क्या ये चर्चा का विषय नहीं है? सरकार ने एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया, एडवर्टाइजमेंट क्यों बैन किया? क्योंकि लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट ही क्यों बैन किया? प्रोडक्ट ही बैन कर देना, लाइसेंस क्यों देता है शराब बनाने वाली कंपनी को? एक तरफ सरकार प्रचार करती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और दूसरी तरफ प्लास्टिक की थैली बनाने वाली कंपनी को लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया ना। तो कौन सही और कौन गलत है, वो चर्चा का विषय है। दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग के बाद में देखो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, इसमें हम किसी भी डिस्कशन में किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि ये बर्निंग इश्यूज हैं, इनका सॉल्यूशन अगर निकल गया होता तो हमें इसकी चर्चा नहीं करनी पड़ी होती। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं है और इसीलिए इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। तो जैसे फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया कि क्या कंपनी सही है या गलत है, या सरकार सही है या गलत है, उसके ऊपर अगर चर्चा करें तो कोई समाधान निकल पाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा, इट इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इंसान अपना दिमाग लगा करके जब कुछ क्रिएट करता है, अब कुछ क्रिएट करने में हो सकता है कोई आर्टिस्टिक चीज या वस्तु क्रिएट करता है, कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति है, अपना दिमाग लगा करके उसने कोई आर्टिस्टिक वस्तु बनाई, बराबर है, अपना दिमाग लगा करके उसने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके कोई प्रोडक्ट डेवलप किया हो, ही मस्ट हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट। हो सकता है इस आर्ट के अंदर नॉट ओनली एज आई टोल्ड यू इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी यू कैन से म्यूजिक, इट कुड बी ए स्टोरी जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ कोई सर्विस भी हो सकती है। दिमाग लगा करके किसी चीज का आविष्कार करना, किसी चीज को क्रिएट करना, दैट क्रिएशन ऑफ माइंड इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मैंने मान लो दिमाग लगा करके कोई म्यूजिक या कोई सॉन्ग बनाया, अब मेरे सॉन्ग को कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए मैं क्या करूंगा?
सर उसके लिए मैं ना कॉपीराइट ले लूंगा, क्योंकि कॉपीराइट लेने की वजह से उस सॉन्ग का पूरा राइट मेरे हाथ में आ जाएगा, किसी और को यूज करना है उसे मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं उससे फीस चार्ज करूंगा, मुझे भी अर्निंग होगी और सामने वाला भी मेरी क्रिएशन ऑफ माइंड को यूज कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू करी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रोडक्ट के रूप में विंडोज का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब यदि आपको कंप्यूटर में विंडोज का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको लाइसेंस्ड वर्जन लेना होगा, जिसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा टू माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स। सो दैट क्रिएशन ऑफ माइंड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। देख, कोई साइन या सिंबल अगर होता है तो उसको साइन है सिंबल है, जैसे कंपनियां अपना लोगो बनाती है, ठीक है। नाइकी शूज कंपनी का आपने लोगो देखा होगा, बराबर है। अब कंपनी ने इस सिंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, सर उसको रजिस्टर करवा लिया अपने ब्रांड को, तो वो बन गया ट्रेडमार्क। क्या बन गया? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब है सिर्फ नाइकी कंपनी अपने जूतों में इसका इस्तेमाल कर सकती, कोई दूसरी कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो उसको पेटेंट करवाया जा सकता है, प्रोडक्ट के लिए पेटेंटिंग करवाया जाता है। म्यूजिक है, सॉन्ग है, स्टोरी है, ऐसी किसी चीज को कॉपीराइट करवाया जाता है, बराबर है। ये अलग अलग तरीके हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करने का। अब मेन चीज क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने अपना दिमाग लगा करके क्रिएट कर लिया, मैंने उसको पेटेंट भी करवा लिया, लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ना इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ाई जाती है, धड़ल्ले से इनको कॉपी किया जाता है। आप दिल्ली के मार्केट में चले जाएं, आपको इंटरनेशनल ब्रांड के नकली सामान मिल जाएंगे एकदम परफेक्ट लोगो के साथ, सिंबल के साथ। आप असली और नकली में फर्क नहीं पहचान पाएंगे, फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी का फर्क भी नहीं बता पाएंगे, इतना आपको जो है इसका इस्तेमाल किया है। जाहिर बात है इसमें बेचारी जो कंपनी है जिसने इतना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करके किसी प्रोडक्ट को डेवलप किया, उसको पेटेंट करवाया, अब उल्लास नगर वाले या दिल्ली वाले या उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद वाले उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके नकली सामान उसी ब्रांड नेम से बेचते हैं, तो कंपनी को नुकसान होता है। दैट इज द बर्निंग इशू क्वेश्चन, कि क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, सरकार होती तो है मगर ये सरकार की मशीनरी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। अंधेरी स्टेशन के बाहर एडिडास का शूज फुटपाथ के ऊपर बिकता है, ओरिजिनल के जैसा ही दिखता है, खाली स्पेलिंग में थोड़ा सा एडिडास में ए डी आई के बजाय ए डी डी आई कर देते, एडिडास, और नकली सामान बेचते हैं। लोग उसे असली समझ के खरीद के लेके आते हैं, असली आता है 2000 रुपए का एडिडास, ये लोग नकली वाला 350 रुपए में फुटपाथ पे बेचते हैं। अब एथिक्स के आधार पर क्या ये करना सही है? सर सरकार है ना कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे जो ऑफिसर जाता है उसको रिश्वत खिला दिया जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है,
चारकोप में चले जाए, कितनी फैक्ट्रियां नकली डिओड्रेंट बना रही है, जो डिओड्रेंट ब्रांडेड हम लोग यूज करके फेंक देते हैं ना, वो बॉटल भंगार वाला जमा करता है डिओड्रेंट का, सब जाता है चारकोप में और नकली माल भर के आता है, और स्टेशन के बाहर 100 रुपये में 3 डिओड्रेंट बेचा जाता है चिल्ला चिल्ला के। दैट इज द बर्निंग इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनी ने बिचारी ने कितना मेहनत करके प्रोडक्ट डेवलप किया, पेटेंट करवाया, लेकिन कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है डंपिंग ऑफ मेडिकल एंड ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आजकल हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आजकल एलसीडी का टेलीविजन आ गया है, एलईडी का टेलीविजन आ गया है, कंप्यूटर की स्क्रीन्स आ गई है, मॉनिटर्स जिसको हम कहते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन्स आ गई है, मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स के अलावा टैबलेट्स यानी कि टैब्स यूज किए जाते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होता है कि ये इस्तेमाल करते करते बिकॉज ऑफ फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, आज कोई भी मोबाइल आप खरीदते हो 2 साल में वो आउटडेटेड हो जाता है। जाहिर बात है आप उसको निकाल करके नया मोबाइल फोन लेना चाहोगे। टेलीविजन एलसीडी या एलईडी है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सभी लोग खरीदना चाहते हैं, तो अपना पुराना टीवी दे दें और बदले में नया टीवी लेते हैं। ये सारा जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है दैट इज ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत सारे ऐसे सामान यूज होते हैं जो हमारे पर्यावरण में नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो बैटरीज यूज होती है 5000 mAh 6000 mAh, ये बैटरीज के अंदर कैडमियम इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, इट इज हाईली पॉइजनस। जाहिर बात है लोग जब अपना पुराना मोबाइल फेंक देते हैं या एक्सचेंज में दे देते हैं, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, ये बैटरियां कहां जाती है, सब फेंक दी जाती है। अभी इन बैटरियों में आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस बैटरी को आग में ना फेंके, आग में डिस्पोज ना करें, क्योंकि ये ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर खतरनाक सब्सटेंस डाला हुआ है। ये बैटरियां जब फट जाती है तो इनमें से जो अंदर का जो मटेरियल है वो पर्यावरण में लीक हो जाता है, पॉइजन फैलाता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो दैट इज व्हाई इस ई वेस्ट को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इसके लिए कुछ तरीका उन्होंने डिवाइस किया है। प्रॉब्लम आता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज, आज इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ई वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई बराबर कानून या पुख्ता कानून नहीं है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता है। बैंड्रा में कबाड़ी वाले हैं, आप अगर रेलवे स्टेशन के दोनों साइड देखेंगे तो बैंड्रा में जो झोपड़पट्टियां हैं उसमें ज्यादातर कबाड़ी वाले हैं, वे लोग ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रोसेसिंग करते हैं, तोड़ फोड़ के जो काम का सामान है वो निकाल लेते हैं, बाकी के सामान को वो जला देते हैं। डेफिनेटली इट क्रिएट्स पोल्यूशन। और सेम होता है मेडिकल वेस्ट के लिए। मेडिकल वेस्ट यानी कि हॉस्पिटल में से जो वेस्ट निकलता है, पेशेंट्स का ऑपरेशन किया जाता है, जाहिर बात ऑपरेशन के दौरान जो खून बहता है उसको कॉटन से पहुंचा जाता है और फेंक दिया जाता है, लिक्विड्स निकलते हैं, ठीक है, दवाइयों को देने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंजेक्शन डिस्पोजेबल इंजेक्शन होते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, उसमें नीडल होता है, उसमें ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है,
किसी पेशेंट का ऑपरेशन करके मान लो उसके शरीर से ट्यूमर निकाला गया, तो वो ट्यूमर क्या घर में सजा के रखेंगे? नहीं, उसको डिस्पोज करेंगे। ये सारा मेडिकल वेस्ट। और आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना में जो पीपीई किट निकलते हैं डॉक्टर्स के, अब ये डॉक्टर्स ने पीपीई किट के पहन करके पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में आए हैं, जाहिर बात है पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो पीपीई किट के अंदर सारे कीटाणु लगे हुए हैं। डॉक्टर जब ड्यूटी खत्म करता है तो वो पीपीई किट निकाल के फेंक देता है। दैट इज मेडिकल वेस्ट। इस मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेडिकल वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया तो ये लोगों में बीमारी फैला सकता है, पीने के पानी को पोल्यूट कर सकता है। दैट इज व्हाई इनका प्रॉपर डिस्पोज करना, डंपिंग में देर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल। प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको डिस्पोज करेंगे तो ये लोगों की सेहत के लिए हार्मफुल नहीं। नंबर चार आता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अभी अमेरिका में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आंदोलन चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, BLM। वहां पर पुलिस वाले ने एक ब्लैक व्यक्ति को अरेस्ट करने के हिसाब से उसकी गर्दन के ऊपर अपने घुटने को रख दिया था। अब वो ब्लैक आदमी कह रहा है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात नहीं मानी और उस आदमी की जान चली। That is violation of human rights। जीने का अधिकार है मुझको, ठीक है मैंने कानून का उल्लंघन किया होगा, सजा दो मेरे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जान ले लोगे। हम ह्यूमंस को जो राइट्स मिले हैं, आजकल हम देखते हैं कि कई देशों में इन ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन आप देखें कि धरना प्रदर्शन के समय में यही पुलिस लाठी चार्ज करती है और लोगों को मारती है, बुरे तरीके से मारती है। दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ये बहुत आम बात हो चली है आजकल। इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। साथ में एक बड़ी समस्या है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, खास करके काम की जगह पर। बहुत सारी जॉब्स आप देखेंगे जहां पर सिर्फ मेल्स को प्रिफर किया जाता है, अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। पहले एयरफोर्स में ऐसा ही होता था, महिला पायलट्स को नहीं लेते थे, अब लेने लग गए हैं। ऐसे ही पहले कई जॉब्स ऐसी होती थी जिसमें महिलाओं को प्रिफर किया जाता था, मेल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये जो काम की जगह पर भेदभाव होता है जेंडर के आधार पर, कभी कभी एज के आधार पर, कभी कभी जाति और धर्म के आधार पर, आप देखें ना कॉलेज में पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व होती है, यह भेदभाव नहीं तो और क्या है? That discrimination। और इसी discrimination में एक और एक समस्या जो आजकल जुड़ गई है, काम की जगह पर sexual harassment। काम की जगह पर महिला employees जो है बढ़ती जा रही है, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में इन महिला एम्प्लॉयज के साथ जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो उनको हैरेसमेंट करते हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, प्रमोशन देने के लिए, इंक्रीमेंट देने के लिए इन महिलाओं का फायदा उठाया जाता है। एंड दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। कहां पर?
एट वर्क प्लेस बहुत कॉमन है, इस समस्या का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन लाना जरूरी है। नंबर 5 आता है पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सी एक प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए खर्च करके एक पिक्चर बनाता है। वो पिक्चर क्यों बनाता है? क्योंकि ये पिक्चर सिनेमा हॉल में लगेगी, लोग टिकट खरीद के देखने के लिए आएंगे, तो प्रोड्यूसर को इनकम होगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर जा करके कुछ साइट से, उन साइट से वो लोग मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं और फ्री में देख लेते हैं। दैट इज पायरेसी। गाने का कॉपीराइट है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आप देखें कुछ गाने के ऐसे साइट्स हैं जहां पर आपको कोई भी गाना फ्री में देखने के लिए, फ्री में सुनने के लिए मिल जाएगा। दैट इज पायरेसी। कॉपीराइट का बेसिकली उल्लंघन होता है। इसमें बेसिकली जो प्रोड्यूसर होता है, जिसने मूवी को प्रोड्यूस किया है या सॉन्ग को बनाया है, उसको ह्यूज लॉसेस होते हैं। व्हाई? बिकॉज पीपल आर वॉचिंग देयर मूवी विदाउट पेइंग फॉर इट। टोरेंट करके एक साइट है जहां पर नई नई फिल्में लोग डाउनलोड कर लेते हैं और मुफ्त में बैठ करके देखते हैं। भाई सिनेमा हॉल में जाने की क्या जरूरत है? मोबाइल में डाउनलोड कर लो या लैपटॉप में डाउनलोड कर लो, उसको अपने घर के बड़े टीवी के साथ कनेक्ट कर लो, आराम से देख लो। इससे प्रोड्यूसर को लॉस होता है। तो ये पायरेसी की समस्या। नंबर 6 है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 12th स्टैंडर्ड में आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में किया है। बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। अब इंश्योरेंस बर्निंग इशू क्यों है? इंश्योरेंस बर्निंग इशू इसलिए है क्योंकि ये जो इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं ना, जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना चाहते हैं, वे लोग अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लोगों को डराते हैं। हे, तू मर जाएगा, तेरे को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हॉस्पिटल का लाखों रुपए का बिल आएगा, तब तू क्या करेगा? इस तरह से लोगों को डरा के उन्हें पॉलिसीज बेचना, क्या ये एथिकल है? नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनाती है तो बहुत सारे हिडन क्लॉजेस होते हैं। बेचारे को पैसा मिलता ही नहीं है। कितने सारे लोगों ने मेडिक्लेम लेके बैठे थे, एकदम खुश थे कि अरे अपने को तो कोरोना होगा, हॉस्पिटल का बिल आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। कोरोना हुआ, लाखों का बिल आया और इंश्योरेंस कंपनी ने खाली मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा दिया, पीपीई किट का पैसा नहीं मिला, वो जो 40,000 का इंजेक्शन था ना, उसका पैसा नहीं मिला। सो दैट इज व्हाई जब इंश्योरेंस कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट की चीजों को छुपाती है, अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए लोगों को डराती है, दैट इज अनएथिकल एंड दैट इज व्हाई इसको। एंड द लास्ट इज चाइल्ड लेबर। सी चाइल्ड लेबर बेसिकली किसे कहते हैं? जब किसी बच्चे के बचपन को खराब करके, उसकी शिक्षा को बर्बाद करके उससे काम करवाया जाए, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड। कि भाई बच्चे की स्कूल जाने की उम्र है, उसकी खेलने की उम्र है, आप उसके बचपन को बर्बाद कर रहे हो, आप उसको शिक्षा खत्म कर रहे हो और किसी होटल में या किसी फैक्ट्री में जब उस बाल से मजदूरी करवाई जाती है, उस बच्चे से जब मजदूरी करवाई जाती है, तो दैट इज चाइल्ड। बहुत सारे देशों में चाइल्ड लेबर के ऊपर कानून बन गया है, हमारे देश में भी कानून है, लेकिन आप जा करके देखें पैसे पैसे वाले लोगों के घर में बच्चे डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करते हैं। हाईवे की होटल्स में जा करके देखें, बच्चे उधर आपको बर्तन साफ करते हुए मिलेंगे।
चाय वाले की दुकान पर ये बच्चा चाय के ग्लास उठाते हुए दिखेगा। बहुत सारी फैक्ट्रीज में अगर आप जाएंगे तो आपको ये बच्चे काम करते हुए मिलेंगे फैक्ट्रीज में। सो दैट द चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप्ड। यहां पर चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे का हाँ, नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।